साउथ सिनेमा में अब हीरो हीरोइन को एक आम आदमी की तरह दिखाया जाता है, हीरो हीरोइन को एक रियलिस्टिक लुक दिया जाता है जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आम आदमी की तरह लुक अडेप्ट करना, हीरो हीरोइन को आम आदमी की तरह रिप्रेजेंट करना, जैसे गांव देहात में जिस तरह के लुक में लोग रहते हैं उस तरह का कैरेक्टर अडेप्ट करना या रिप्रेजेंट करना, उस तरह का सिनेमेटोग्राफी दिखाना, आस पड़ोस उस तरह का दिखाना, ऊपर से नीचे तक चीर डालेगा, ये दर्शाता है कि अब साउथ सिनेमा सिर्फ स्क्रिप्ट में ही नहीं बल्कि सिनेमेटोग्राफी और बाकी चीजों में भी इम्प्रूव हो रही है या सिंपली हो चुकी है। वहीं बॉलीवुड का बात करें तो इन सब चीजों से अभी बॉलीवुड कोसों दूर है, बट टॉलीवुड में या साउथ सिनेमा में जिस तरह की मूवी होती है, जिस तरह की स्क्रिप्ट होती है, उसी तरह के लुक और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है सिनेमा में। इनफैक्ट आस पड़ोस भी उसी तरह का दिखाया जाता है, और यही फिल्म मेकिंग का छोटा छोटा प्लस पॉइंट है जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल पुष्पा मूवी में जिस तरह का अल्लू अर्जुन ने कैरेक्टर अडेप्ट किया है, लुक अडेप्ट किया है, और जिस तरह का आस पड़ोस पुष्पा मूवी में दिखाया गया है, उन सब चीजों से ऑडियंस रिलेट करती है। और पुष्पा एक ही मूवी ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ KGF है, कांतारा है, जिसमें इस तरह का लुक दिखाया गया है, और इसी तरह की कहानी सिनेमेटोग्राफी और लुक के बेसिस पे एक और टॉलीवुड मूवी आ रही है जिसका नाम दशहरा है। बीते दिन इस मूवी का कई सॉन्ग और टीजर रिलीज हुआ था जिसके लीड रोल में नेचुरल स्टार नानी और कीर्ति सुरेश हैं, और फाइनली इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। दशहरा मूवी का ट्रेलर देख के साफ पता चलता है कि इस मूवी को बनाने के लिए नेचुरल स्टार नानी और कीर्ति सुरेश ने कितना हार्डवर्क और डेडिकेशन से काम किया है। अब ऑडियंस का मूवी देखने का तरीका और टेस्ट दोनों ही बदल चुका है, और इसीलिए अब फिल्म मेकिंग का तरीका भी धीरे धीरे इंडिया में या साउथ इंडिया में बदल रही है। आज की फिल्मों में अब हीरो को एक आम आदमी की तरह दिखाया जाता है, एक रस्टिक लुक में दिखाया जाता है, जो फिल्म मेकिंग में हो रहे पॉजिटिव चेंजेस को दर्शाता है। इस ट्रेलर में डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और लुक पे अच्छा काम किया गया है, ये तो दिखाया ही गया है। एट द सेम टाइम कीर्ति सुरेश और नानी ने एक अच्छा एक्टिंग स्किल रखने वाले एक्टर्स हैं, इस बात का भी परिचय दिया है। दशहरा 2023 का मच अवेटेड तेलुगु पैन इंडिया मूवी है जिसके रिलीज का वेट पूरी इंडिया कर रही है, और ये 30 मार्च 2023 को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का स्टोरी तेलंगाना से नजदीक गोदावरी के पास सिंगरौली कोल माइंस के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी का ट्रेलर देख के पैन इंडिया लेवल की मूवी वाली फीलिंग नहीं आती, एक रेगुलर मूवी की फीलिंग्स आती है, बट स्टिल इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी और BGM और एक्टर एक्ट्रेस का एक्टिंग स्किल इस ट्रेलर को और इस मूवी को अलग लाइन में खड़ा करता है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि हमें अब मूवीज से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गया है पैन इंडिया मूवी का, लाइक बाहुबली, KGF, कांतारा, उस तरह की मूवी का इमेज हमारे माइंड में ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये भी एक वजह हो सकती है कि हम ट्रेलर को उस लेवल का नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये मात्र एक ट्रेलर ही है, अभी पूरी मूवी देखनी बाकी है, और किस तरह का काम किया है, किस तरह का स्टोरी है मूवी का, वो तो थिएटर्स में देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेहनत काफी की गई है इस मूवी के लिए, ये बात ट्रेलर देख के अच्छे से पता चलती है। इन सब डिटेल्स के अलावा ट्रेलर देख के ये साफ पता चलता है कि ये मूवी स्टोरी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी को भी रिप्रेजेंट करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कीर्ति सुरेश इस मूवी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर की तरह होंगी जो मूवी के स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वहीं अगर मूवी के हिंदी डब्ड का बात करें तो नानी को हिंदी में आवाज दिया है शरद केलकर ने, जिन्होंने प्रभास को बाहुबली में भी आवाज दिया था, जो अगेन हिंदी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिल्म वर्ल्ड वाइड 30 मार्च 2023 को रिलीज हो रही है 5 लैंग्वेजेस में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में। तो इस ट्रेलर के लिए इतना ही, मूवी 30 मार्च को रिलीज हो रही है, तब तक वेट करते हैं।
और थिएटर्स में जाके देखते हैं कि एक्चुअली नेचुरल स्टार नानी ने किस तरह का काम किया है अपने फर्स्ट पैन इंडिया मूवी में। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कुछ बात करना है मुझसे तो मैं सोशल मीडिया पे भी मिल जाऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक के लिए थैंक यू।